दोस्तों, ब्रह्मास्त्र को रिलीज होने के अभी कुछ ही दिन बचे हैं और ब्रह्मास्त्र वालों ने इसका एक और प्रोमो रिलीज कर दिया है, जिसमें हमें और भी ब्रह्मास्त्र मूवी की डिटेल देखने को मिलती है। तो आज हम उसी प्रोमो का रिव्यू करने वाले हैं और साथ ही जानेंगे कि इसमें कौन कौन से अस्त्र दिखाए गए हैं। और मैं अगर इस प्रोमो की बात करूँ तो मुझे ट्रेलर से बढ़िया यह लगा। मुझे तो लगता है कि इसे ही ट्रेलर होना चाहिए था। वैसे मैं थोड़ा लेट हूँ, पर चलिए शुरू करते हैं। नंदी अस्त्र, यह तो हम सबको पता है कि नंदी अस्त्र नागा अर्जुन के पास है, जो उसका यूज करके बड़ा सा बड़ा नंदी बना लेते हैं और एक बड़े से ट्रक को रोक देते हैं। और यह अस्त्र नागा अर्जुन के पास एक कड़े के रूप में मौजूद है। और यह तो हमें ट्रेलर में बताया गया था कि जिसके पास नंदी अस्त्र होगा उसके पास 100 नंदियों की ताकत होगी। वानर अस्त्र, वैसे तो वानर अस्त्र के बारे में इतना खुलासा नहीं हुआ है, पर जिसके पास वानर अस्त्र होगा वह लंबी लंबी छलांगें लगा पाएगा और शायद हवा में भी उड़ सकता है, जैसे कि हमें ट्रेलर में बताया गया था। प्रभा अस्त्र, यह अस्त्र अमिताभ बच्चन के पास है, जो रणवीर कपूर के गुरु हैं, और इस अस्त्र का एक तलवार के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि वह काफी गुंडों को तलवार से काट देते हैं और एक पेड़ को भी तलवार से काटते हैं और उसमें लाइट जलती है। और अब आता है पवन अस्त्र। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें पवन यानी हवा को कंट्रोल करने की ताकत होगी और यह उसी हवा के पावर से लोगों को हवा में उड़ा रहा है। गज अस्त्र, इसके पास एक लेयर बनाने की ताकत है, जिससे यह अपने आप को और अपने साथियों को प्रोटेक्ट कर सकता है और कोई भी इसके आर पार नहीं आ सकता। और अब है नागधनुष। यह नागधनुष ऐसा है जिसमें से सांप निकलते हैं, वह भी ग्रीन कलर के, जो बहुत बार निकलते हैं। जला अस्त्र, इस अस्त्र को ट्रेलर में भी दिखाया गया था, पर अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं दिखाया गया कि यह क्या काम करता है। पर इसके नाम से ही पता चलता है कि इसको कंट्रोल करने वाले के पास पानी को कंट्रोल करने की ताकत होगी। और आखिर में आता है अग्नि अस्त्र। यह किसी इंसान के पास अस्त्र नहीं, बल्कि यह अस्त्र ही इंसान है, जो रणवीर कपूर है, जो मूवी में शिवा का करेक्टर प्ले करते हैं। और शिवा के पास पूरी आग को काबू में करने की ताकत है। वैसे तो मैं ज्यादा कहानी को स्पॉइल नहीं करना चाहता, पर अब यह मूवी मेरे लिए एक मस्ट वॉच मूवी हो चुकी है, जिसे एक बार तो देखना है, क्योंकि इसमें वीएफएक्स कमाल है और हर बारीक से बारीक चीज पर भी ध्यान दिया गया है और हर एक अस्त्र को अलग कलर में दिखाया गया है। क्या आप यह मूवी देखोगे? कमेंट करो।